ने इस आईपीएल में बता दिया कि ही इज द गाय दैट इंडिया नीड्स, और वर्ल्ड कप में जो भी अब विकेट कीपर जाय पंत और ये दोनों ही होने चाहिए मेरे ख्याल में, संजू सैमसन और ऋषभ पंत, दे बोथ आर डूइंग एक्सेप्शनल जॉब फॉर देयर टीम्स। बड़े ही जो है वो कमाल की आज जो लखनऊ की जानब से बैटिंग देखने को मिली है, स्पेशली केएल राहुल की जानब से। और क्या मैच हुआ आज का, आज के मैच में जो है वो लखनऊ और संजू सैमसन कप्तानी भी लाजवाब की है, और ये आप समझेंगे पहली टीम बन गई है इस आईपीएल की जिसने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया, और इन्होंने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है कि एक मैच बस हारे हैं वो भी इसी की गलती से, वैसे हारे थे वरना ये सारे मैच जीत जाते, सारे मैच जीत जाते। बाकी जी यहाँ पे जो बात चल रही है, आप ये चीज यार, ये क्वालिटी ऑफ आईपीएल यार, ये आईपीएल तो सुपर से भी डुपर किस्म के लेवल का हो रहा है यार, ये तो वर्ल्ड की बेस्ट से भी बेस्ट लीग का मैच हो रहा है यार। उधर पाकिस्तान के हम मैच देख रहे हैं, बच्चे हमारी बजाई जा रहे हैं, हमारे किंग और हमारे ब्रेडमैन और हमारे घंटे सारे फेल हो रहे हैं, और उधर आईपीएल में इंडिया के युवा खिलाड़ी जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जिसने अब तक 7 मैचेस खेले हैं, 9 छक्के लगाए हैं, 6 चौके लगाए हैं, मगर अभी तक आउट नहीं हुए। राहुल ने बड़ी बढ़िया बारी खेली और केएल राहुल अक्सर छोटे छोटे रन बना के आउट हो रहे हैं, और इंडिया की टीम में बहुत सारे लोगों को लेने की, किसी को हटाने की बातें होती रहती हैं T20 वर्ल्ड कप में, तो केएल राहुल यकीनन एक ऐसा नाम है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद अगर इंडियन सिलेक्टर्स किसी पर भरोसा करते आए हैं आखिरी 3-4 सालों की क्रिकेट में, तो वो केएल राहुल हैं। ये हर स्पोर्ट में होते हैं और इनकी कारकर्दगी भी होती है, ऐसा नहीं है कि ये बगैर परफॉर्मेंस के खेलते हैं, किसी भी इवेंट में ये जाके रन तो बनाते हैं। 21 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप, 70 odd संजू, 50 odd जुरैल, और वो जितनी नाकामी और फॉर्में कम थी जुरैल आज पूरी कर दी, धो धो के मोहसिन ठाकुर, ये बाजू मुझे दे दो ठाकुर, केएल राहुल की, ये सब जरूर होना चाहिए। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की टीम, अगर केएल राहुल ऐसे कैप्टन ना गया तो बहुत बड़ा जुल्म होगा हिंदुस्तान के साथ। इतना कमाल का शातिर दिमाग है, 16वें ओवर में बिश्नोई को लेकर आया, 16वें ओवर में 16 रन खा गया। तो आपको केएल राहुल पुराना भी देखने को मिल गया, वो केएल राहुल जिसको हम जानते थे कि जिसने 2018-2019 में विराट कोहली के होते, रोहित शर्मा के होते, शिखर धवन के होते अपना नाम भी बनवाया था। देखो जब आपकी टीम में इतने बड़े बंदे खेल रहे हो ना, इतने बड़े किंग, इतने बड़े स्टार खेल रहे हो, जिसमें यार विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, आप ही उनके अंदर आके नाम बना रहे हो, तो समझ लो आप कितने टैलेंटेड हो। ये था वो केएल राहुल जो आज हमें वो नजर आया, 2020 वाला केएल राहुल जब वो पंजाब की तरफ से खेलता था, कि यार हर जो है वो आईपीएल में ऑरेंज कैप और 160-170 का स्ट्राइक रेट, वो केएल राहुल हमें आज नजर आया। लेकिन हुदा ने और केएल राहुल ने बीच के फेज में बहुत अच्छा एक्सेलरेट किया, बहुत बेहतरीन, और चहल जो कि विकेट टेकर था इनके लिए, रन भी नहीं देता था राजस्थान के लिए, इस पूरे आईपीएल में यही कहानी है, तो उसको भी 41 रन डाले हैं, विकेट कोई नहीं दिया, तो ओवरऑल अच्छी काबिश है, नॉट बैड। और शुरू में ही स्टोनिस भी आउट हो गया था और फिर डिकॉक भी आउट हो गया था, पूरन भी कुछ खास करके नहीं गया, तो इनकी टीम अगर ये तीन बंदे फेल हो जाएं एक दिन में, इनकी टीम में पता चलेगा कि ये तीन बंदे फेल हो गए हैं जिन पे ये बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, डिकॉक, पूरन और स्टोनिस, फिर भी टीम 196 कर गई है, तो ये मेरे तो ख्याल में अच्छी काबिश है। हमारे अमर और शाहीन से इंडियन डर रहे हैं, रोहित शर्मा लोग डर रहे हैं, बोगियां मारते हैं फजूल की, और उधर अगले करके दिखाते हैं। एक तरफ हमारा सैम अजूब घंटा, उसको आप देख लो, हमारे पीएसएल के परफॉर्मर उस्मान को देख लो जो दुबई छोड़ के आ गया है, उससे बेवकूफ कोई नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस देखो यार। और केएल राहुल ने बहुत कमाल की जो है बैटिंग की आज, केएल राहुल का स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, और आज ऐसा लगा कि वाकई में ये वही केएल राहुल है जिसके हम जो फैन है, क्योंकि केएल राहुल ऐसी बैटिंग जो कभी कभी करते हैं, जब ये अपने रिदम में होते हैं ना, तो ये बहुत कमाल के स्टाइलिश जो बैटिंग करते हैं, और आज फिर केएल राहुल ने वैसी ही बैटिंग की, और 31 बॉलों में राहुल ने 50 किया, ठीक है 70 odd रन ठीक है, अब ऐश की मेहरबानी से 6 स्कोर डाल लिया, वो अच्छा दीपक उदा लग रहा था, 30 बॉलों में 50-31 पे गया, लेकिन ये कुणाल पांड्या और वो पूरन वूरन इन सब ने ना बड़ा ही मायूस, देखिए दान संग हीरो इज संदीप शर्मा, व्हाट अ बॉलर इज, व्हाट अ चैंपियन इज, इस ओवर में फिर भी 11-12 दे दिए आखिरी ओवर में, उससे पहले 18-19 रन थे, 2 विकेट थी, 3 ओवर थे शानदार, हालांकि बोल्ड ने ऊपर से ठीक ओवर किया लेकिन बाद में थोड़ा उठास चढ़ी तो 48 रन वो भी दे गया, उसके अलावा अश्विन ने 39, चाहल ने 40 odd, अवैश ने ठीक उठास खाई, और ये संदीप फॉर मी, देखिए अगर इंडिया इतना स्ट्रगल कर रहा है रादर देन टेकिंग अवैश और बाकी, दे शुड लुक एट संदीप बिकॉज वर्ल्ड कप इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, और संदीप जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है डेथ में, अप फ्रंट, मिडल में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इंडिया को अपने रादर देन गोइंग विद बिग नेम, और जी के राहुल होना चाहिए, और जी सिराज होना चाहिए, अर्शदीप होना चाहिए, अवैश या ABCD, मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको लेके जाए। शेर अभी भी दाड़ना छोड़ा नहीं है शेर ने, शेर अभी भी सबसे बेहतर है, उससे बेहतर विकेट कीपिंग कोई नहीं करता, उससे बेहतर बैटिंग कोई नहीं करता, उससे बेहतर क्रिकेटिंग माइंड किसी का नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, बैट्समैन नहीं, विकेट कीपर नहीं, प्लेयर,
वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर क्रिकेट हैज एवर प्रोड्यूस। इसमें विकेट कीपर भी आ जाता है, इसमें बैट्समैन, इसमें फिनिशर, इसमें सब कुछ आ जाता है। लेकिन एक सच है कि केएल राहुल आज जिस तरह की फॉर्म में थे, देखें उन्हें बाउंस आउट करने का प्लान था लेग स्टंप पे, उन्होंने हटकर एक्स्ट्रा कवर पे ऊपर से ऐसे भी छक्का मारा है। तो कहने की बात यह है कि आज केएल राहुल यकीनन कुछ ना कुछ सोच रहे थे। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिसकी जितनी भी सेटिंग हो, इस वक्त जो टीम इंडिया की टीम सिलेक्शन की स्थिति है वो बड़ी खतरनाक हुई भी, और कहीं ना कहीं केएल राहुल जैसे सीनियर लोग अपने कप्तान से भी टच में होंगे। एस्टोनिश पिछले मैच का हीरो अंडा ऊपर से डिकॉक, एज से चौका आया, बोल्ड हो गया, और केएल राहुल जहां एक्सीलेटर में पैर रखना था वो भी निकल गया। हुदा जहां कुणाल पांड्या टेस्ट मैच खेल रहा था, वो आयुष बदोनी तो आपको सारों को अच्छी तरह पता ही है कि कितना अच्छा खेलता है वो। बहरहाल ऑनेस्टली स्पीकिंग 62.6 ओवरों में 100 हो गया था, 58 बॉलों पे इन्होंने कोई 96 रन किए, कोई बहुत अच्छे रन नहीं है। रिजवान साहब विकटे चले, माना 5 गिर गई, लेकिन 5 विकटे आपके हाथ में हो और आप जो है 58 बॉलों में 96, मतलब ज्यादा नहीं तो 120-115 इतने तो आने चाहिए थे, लेकिन बहुत ही एंड पे तो बिल्कुल ही सुकड़ गए ना सिंगले, और वो लेस देन रन बॉल या रन बॉल, ये क्रिकेट हो रही है। एक तरफ हमने आज देखा 257 बन रहा है, दूसरी तरफ हमने देखा मैच क्लोज 247 बन रहा है, वो भी कुछ प्लेयर नहीं चले मुंबई इंडियन के। यहाँ पे आप देखें लखनऊ के ऊपर से ही 2 आउट हो गए थे, 46 का पावर प्ले आया, उसके बाद 110 ओवरों में आ गया, विच यू विल टेक इट। 10 की एवरेज तो आप नहीं छोड़ेंगे पहले 10 ओवरों में, और कंसीडिंग द फैक्ट यू हैव लॉस्ट 2 विकेट्स, लेकिन उसके बाद रिजवान साहब रन्स वर ड्राइड अप, बिल्कुल नहीं ट्राई नहीं कर रहे थे, ट्राई नहीं किया, कार्ड बाउंड्री लगी है आखिरी कुछ बॉलों में, ये क्रिकेट हो रही थी, मजाक हो रहा था। केएल राहुल ने इस आईपीएल में यह बताना था कि मैं वर्ल्ड कप के लिए फर्स्ट चॉइस हूं, मुझे वर्ल्ड कप में फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। आपने देखो दिनेश कार्तिक ठीक है यार, अच्छा कर रहा है वो, लेकिन आपके वो लंबे प्लान में शामिल तो नहीं ना, केएल राहुल आपके लंबे प्लान में शामिल है, ये आगे इंडिया की क्रिकेट को लेके जाएगा। केएल राहुल की मैं बात कर रहा हूं, तो केएल राहुल का रन करना बड़ा ज्यादा जरूरी था, और देखो रन तो वो कर ही रहा था, लेकिन वो 125 के स्ट्राइक रेट, 130 का स्ट्राइक रेट जिस तरह ये घंटा करता है, तो वो वाला काम नहीं था। ये था केएल राहुल की यार आओ और 160-170 के स्ट्राइक रेट से इस तरह के 100 करके जाओ। देखो जब आप 100 करती हो ना, या जब आप 80-90-100 करते हो, तो तब आपके अंदर एक अलग ही चीज आती है कि यार हाँ अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ मैंने किया है। उम्मीद है आपको ये प्रतिक्रिया उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे। आपका प्यार और समर्थन है जो इस चैनल को आगे बढ़ाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को स्मैश करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करने ना भूले, ताकि हम आपको और ऐसे दिल को छू जाने वाले प्रतिक्रिया ला सके। अगली बार तक क्रिकेट का जज्बा जिंदा रखिए। जय हिंद और खुश रहिए।